ये है चलती का नाम जिंदगी, गाड़ी का नाम चलना। देखे ऐसा हम लोग का जगह बस स्टैंड वाला रास्ता, इतना भीड़, इतना बड़ा ट्रम बीबी नंबर टर्न नंबर वाला, देखे इतना भीड़ है, इतना सारा भीड़ रहता। हमेशा 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 आपको इसी जगह पे खाली कभी नहीं मिलेगा, हमेशा भीड़ भाड़, इसी पर का चहल पहल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का नज़ारे दृश्य है हम लोग बस स्टैंड का। बस स्टैंड का बी साइड वाला जगह पे जा रहा हूँ, कभी नहीं गया इस रास्ते से में, इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा इस रास्ते कैसा है, इस रास्ते मकान वन कैसे बने, कैसे नज़ारे पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ले ले के मैं आया हूँ बस स्टैंड का सिर्फ साइड में। ये बस स्टैंड है देखिए, इसका ठीक है गली है, ऐसा गली है छोटा सा। ठीक है, के नाम भन्छ त्यही त, यहाँ कहिले जेगोमा बस्छु त म कहिले पोसेको छुइनँ, जेगाउँको हो नि म पनि। नमस्ते बोजू, लुगा धुनु भएको? ए लुगा धुनु भएको, हजुर। यो ठाउँमा म कहिले पोसेको छैन हो, जेगोमा हुर्केको, जेगाउँ जवान भएको त। हजुर, भिडियोमा अलिकति देखाइदिन्छु भने यो जग्गा कस्तो रहेछ, यो कता घुमेर कता निस्किन्छ यहाँबाट तपाईँको, यहाँदेखि गयो भने निस्किन्छ यो साइडमा, तपाईँको यहाँदेखि यहाँ पनि बाटो छ एउटा सानोबाट। म जयगाउँ यहाँ छोटा मेचे बस्ती भक्त चौपती, त्यही त अघिदेखि पुरा यस्तो मजा आउँछ, भिडियो गर्छु म, अहिले युट्युबमा भिडियो हाल्छु त, त्यही लागि सन्चै हुनुहुन्छ सबै नेपाली गाउँ छैन यता? हजुर हजुर, यहाँ सब तामाङ मात्रै। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम नरेश पाखरिन, पाखरिन है, कमल पाखरिन घर यतै छैन, मेरो दाजुको। हजुर हजुर, ल हवस् त, दाजु घर हुन्छ यहाँ सबै, हाम्रो सबै घर। ल हुन्छ हुन्छ, जानु पऱ्यो ल ल, दुबई होइन थुप्रो त होइन, एउटा कन्डर, यो चिन्छु नि कन्डर, यो कन्डर चिन्छु म, मनै भन्नुभएको तपाईँलाई, रिसाउनु भयो क्या हो? हजुर, अर्जुन घिसिङ, हजुर, ब्लगिङ गर्छु त अलिकति हल्का र जे हो म, तर के हो यो गल्ली कहिले पोसेको थिएन, आज पोसेको चाहिँ हेर्दै भनेको के रहेछ, के भन्नु यो जग्गाको नाम चाहिँ? अनि मर्निङ नानी, देखि लोक बडा फ्रेङ्क है, भाइ लोक मुझे मुझे भैया लोक मिले, बडा फ्रेङ्क है, गाडीबाट के भए जम्मू र गाँ जहाँ त्यहाँ हाम्रो गाउँमै भए इस जगह पे भी देखाइदिनु मर्निङ दि, हजुर फुलका अलिक हल्का राम्रो देखेँ त मैले बिहानै हेर्छु, अति राम्रो, अति मजाको कलरमा रातो म रहेछ नि है। गुड मर्निङ अङ्कल, खाजा खानुभएको बिहानको? हजुर, छिटै खानु हुँदो रहेछ खाजा, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ है, हजुर। म जेगाउँबाट आएको, छोटा मेचे बसी भक्त चौपती, म भिडियो बनाउँदै हिँड्छु त, यसो तपाईँलाई देखेर खाजा खाएर बडा मजा गरेर खाजा खाइरहनु भएको रहेछ त, राम्रो लाग्यो मलाई, हुन्छ लागे म सर। हाय दोस्तों, हाय हाय, हेलो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब व्यूअर्स और यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से गुड मॉर्निंग और शुभ बिहानी और शुभ प्रभात। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे व्यूअर्स और यूट्यूब फैमिली को, आज मेरे काकू रॉय अंकल और मैंने डाँडा गाँव का जो ऊपर भाग है, जो भूटान बॉर्डर लगा हुआ है, शीर्ष हटा गया है, उस भाग को दिखाया हम लोगों ने। ठीक है, वहाँ से जाके आ रहे हैं, देखे हम लोग भी हापी रहे, उसके ऊपर में भूटान, हाँ भूटान बॉर्डर है वहाँ पे, उस वहीं वहीं से पानी होके आता है इस जगह पे, इस जगह का तहस नहस कर दिया। देखे क्योंकि काकू कहते हैं बनाएगा, यहाँ का प्रशासन जो है वो बनाएंगे, अच्छी प्रकार से बनाएंगे रास्ता वगैरह। ठीक है, पहले जैसा फिर कर देंगे, काकू का कहना है। तो देरी ना करते मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, इसी जगह से गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली थापा ब्लॉग्स, मैं कृष्णा थापा, आपके समझ में एक भिडियो जो भी डाँडा गाउँ वाला इस पहाड से, ल त गए त डाँडा गाउँ वाला इस पहाड से। ठीक है, अब हम नीचे उतर रहे हैं, इस पहाड का दृश्य आपको मैंने जितना हो सके डाल दिया हूँ, ऐसे रास्ता है, जाइए ऐसे नहीं,
अरे भाइ कुत्ता बहुत भुक रहा है, उसका काम ही है भुकना। अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे, थोड़ा आप लोग को मजा लगेगा क्योंकि नया नया जगह में दिखा रहा हूँ आप सब लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पर। आप लोग बने रहे ठीक है, तब तक आप लोग बने रहे, आपको मिलेंगे हम किसी रास्ते या किसी ड्यूज पर। इस प्रकार से बांस का बनाया गया उस गांव को तक पहुँचने के लिए गाड़ी में रखा हुआ है, और दूसरा गाँव है, दूसरा गाँव है ठीक है। इस प्रकार के भी है, यहाँ से छोटा सा गली है, छोटा मोटा गली। बाप रे फूल देखे, इतना सारा फूल है। पूरा यहाँ तो हरियाली हरियाली है, देख पेड़ पौधे पूरा माउंटेन टाइप का दृश्य है। दस नजारे हरवर था सब ले गए देख जी। ऐसा नदी सब भूटान का नदी है, भूटान से आया है पानी। वहाँ दो जन क्या कर रहे, पाइप बांध रहे, पानी का पाइप बांध रहे दो जन। ऐसा है देखिए, इनको भी नुकसान किया है देखिए, बना रहा था बेचारा इतना खर्चा करके, इस बिल्डिंग का नुकसान किया है, बना ही रहते हैं। यहाँ से देखिए नजारे, ओ ऊपर ऊपर तक गाँव है देखिए, ऊपर जैसे झरना बस्ती में ऊपर है ना, इस जगह पे है डाँडा गाँव कहते, 7 नंबर डाँडा गाँव इस जगह को लेके उसी जगह तक हम लोग वापस जाएंगे। अभी यहाँ से तो ओके जाना पड़ता है, रास्ता भी नहीं है इस गांव पे जाने के लिए, बना रास्ता देखिए बेचारा काकू लोग बना रहे। यहाँ पे देखिए जयगांव बुद्धिस्ट क्रेमेशन सेंटर, यानी कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग का वो कब्रिस्तान है ठीक है। ऐसे रास्ता बना रहे थे काकू लोग, पाइप नहीं कर रहा था बोला, वो तो यही है देखिए ये ठीक है इसे। गुड मॉर्निंग दादू, मॉर्निंग आंटी, मॉर्निंग, कता जानु भएको? काममा। ए काममा भुटान? इन्डियामा छ कि भुटानमा छ? इन्डियामा काम छ कि भुटानमा छ तपाईँको? ए ठिकै छ त्यसो, ए दोमा छिल्ने है आंटी जी, कह रही सुपारी छिलने का काम है। हाँ सुपारी छिलने का, दोमा छिलने का, उसमें कुछ पैसे आ जाते हैं। बेचारा काम पे जा रहे हैं, काको देख पत्थर वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। हेलो आशे, हाँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग काको, की करते अपना पूरा ढुंगा है? हाँ हटा जाए ना, एटा क्या भूटान दिखे नदी आसे ना, ये सब भूटान से नदी आ रहा काको, यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं है ना, आपने बनाया अभी ना, एखन आपने बनाई छे ये भाई, अभी काको लोग बना, उसका बेटा काको मिलकर बनाए। हाँ हाँ छः जन हो देखे, नदी छोटा है अभी, जब बारिश गिरेगा तो ऊपर से पूरा पाम नदी तो आता ही है, उसके साथ में पत्थर मिट्टी बालू सब लेके आते हैं, और हाईवे तक पहुँचा, हाईवे हाईवे वहाँ पर ना हाईवे, हम लोग का हाईवे खराब इसी नदी ने किया है। ऊपर तो माउंटेन है देखे, छोटा सा पहाड़ है, छोटा पहाड़ भी कहते हैं हम लोग इस जगह पर। काको एक गाँव है नाम की, एक जगह ये डाँडा गाँव, बस डाँडा गाँव, डाँडा गाँव बोला इस जगह का नाम देखिए। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कता है स्कूल? ढिलो होते ना, 8 बजिसक्यो त भाइ? ए 10 बजी, ए 2 घन्टा आराम गर्ने कि स्कुलमा गएर है? ओरे काको आगे कडी पत्ता, सरी सरी कडी पत्ता, आफ्नो कि यदि थाके ए बाडी त्यही डाँडा गाउँ, डाँडा गाउँ नाम न? अच्छा आफ्नो भालो आसे भालो सब सब ठीक भालो आछ रे, नदी त खराब पर्छ न? ए नदी का नाम कुछ है? कुछ नहीं है, बस भूटान से आता है, आता है। जो हॉस्पिटल वाला नदी है वही है क्या ये? झोरा 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 झोरा, झरना झरना झोरा, झरना झोरा है। ये कौन सा है? ऊपर से आया है। ऊपर कौन सा जगह से मालूम है? भूटान से आया है। भूटान तो भूटान कौन सा जगह से मालूम नहीं है? ऊपर से आया है। ऊपर भूटान से आया है, काको को मालूम नहीं है। अच्छा झोरा है, उधर से आया है। हाँ आया है, सब करके आया, वही सब सब खत्म कर दिया ना। हाँ इधर का भी ले गया जमीन, उधर का हाईवे तक पहुँच गई है रास्ता रास्ता ना, हाईवे में भी इतना सारा जमोड़ा कर दिया मिक्सर का बालू का। ठीक हो जाएगा? कहाँ ठीक हो, ऐसा बनाएगा बनाएगा, कब बनाएगा? जो आएगा बनाएगा, जो भी आएगा बनाएगा। ठीक है ठीक है, टाइम है, टाइम है बनाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे सब आप लोग बंगाली लोग ही रहते हैं? हाँ बंगाली। नेपाली लोग है? नेपाली ऊपर में है, ऊपर में। थोड़ा मैं जा सकता हूँ ना? हाँ तो वीडियो करना है,
ये आप बड़ा कड़ी पत्ता है ना, कड़ी पत्ता का गाँच है वो, ये बंगाली के नेपाली के। हाँ नहीं नहीं थोड़ा दिखाएगा मैं, घर है ना। हाँ ये देखिए ऐसा रास्ता है, ऐसा घर। हाँ ये वाला ना, फूल वगैरह है, देख फूल वगैरह अच्छा है। क्या कर गए वो? हाँ यूट्यूब आसर, यूट्यूब आपने देखे यूट्यूब? हाँ वही देखिए, ये वीडियो आज भी আমি ইউটিউবে কাজ করে তো, এটা আমার কাজ। মোবাইলে দেখ? হ্যাঁ মোবাইলে, টিভি যে যে শোনা সব দেখবে, সব সব দেখবে সব। ঠিক আছে, আপনার আসে তো আপনার ভি আসে যাবে, আমি কো পেছান আমার মুখড়া আসবে হয়ে যাবে। ডগস আর উপর কাটে গেও নেই নেই কাটে গা, দেখেন ডলতে নেই কাটে গা, কাটে গেলে কাটে সে তো প্রবলেম হয়ে যায় না, ভুকতা দেখেন চলে না আবি আমরা আমার সাথে চলো চলে নামেগা। হ্যাঁ 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 আবি হ্যাঁ কি নামে গে, চুপ ভাই চুপ চুপ শেরু, হ্যাঁ এ চুপ 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 কাকু ভগা রে কুত্তে কো, কামি টমি 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 এসে বড় आदमी देखा, नया आदमी देखा ना, भूख गया यहाँ पे सबका भूख। चुप चुप भाई, चुप भाई मेरे, चुप चुप तो दुखे मेरे। इधर भी इतना गांव हो गया ना, वो तो व्यू पॉइंट है, वो बहुत व्यू पॉइंट है। यहाँ से कुछ ऐसा नजारे दिखते हैं, डाना अच्छा लगता है, डाना उसे सीधे देखे अच्छा। अरे काय चिल्ला रहा है भाई, और डाल के गाछ देखे मॉर्निंग दीदी, मॉर्निंग दाजु, ये आइरन रहेछ नि तपाईले खुकुरी ए मार्तोलहरु बनाउनुहुन्छ हैन? तल मैले देखेँ जस्तो लाग्यो दादालाई तपाईँले। हाम्रो थियो कि एउटा कसिया टाइपको हुन्छ नि, त्यो थियो, एउटा खुकुरी थियो, तिनवटा सामान छ हाम्रोमा। कति कति लिनुहुन्छ तर प्राइस चाहिँ, पैसा चाहिँ? पुरानै पुरानै युज गर्दै धार खत्तम भएको, धार लगाउने त होला होइन दिदी? म एकछिन भिडियो गरौँ त्यसको। यो देखि आइरन है, यहाँ पे कुट कुट के अब खुकुरी का हम लोग हत्या, नेशनल हत्या खुकुरी वो के बनाने भाग निकाल दूटा भोटे पातंग, इसको भुटनेस पातंग बोलते थे कि ऐसा। अब इसको कुट के थोड़ा प्लेन करेगा नहीं, कुट से नहीं इतना लाल हो जाता है भाप लोग, कति गरम हाल सान हप पप्प आए थे तब को। हजार हजार यो गरम में काम कर आपने भट्टी लाँ दाव बनाता है। यो जग्गालाई डाँडा गाउँ मात्रै भन्छ? डाँडा गाउँ होइन, यसकै सात नम्बर डाँडा गाउँ भन्छ यसलाई। सात नम्बर त्यो तल भन्दै थियो मलाई, तल हो यो चाहिँ अब। ए नारियल गाछ, सुबदार बस्ती है इस जगहको भैया बोले, सुबदार बस्ती, सुबदार बस्ती के अरे भैया, सुबदार बस्ती है, सुबदार बस्ती। तपाईँ पुरा पसिना पसिना हुनुभएछ, चियासा खानुभयो होला नि है? अनि चियासा खानुभयो बिहानको, खाइसक्यो होला यति बेला 8 बजी, तपाईँ खानुभयो होला है? ल म त लागेको छु गाउँ अलिक देखाइयो, जग्गा कहिले आएको छुइनँ, म झेगौँ हो हो भक्त चौपतीको, यो जग्गा कहिले पोसेको छैन, एकपल्ट पोसेर भिडियो हेर्ने। हुन्छ 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 दिदी, ल धन्यवाद तपाईँलाई। आपका नाम क्या है काकू? रंजित राय। रंजित राय, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा कहाँ पे? हम लोग जेगो में, अलीपुरद्वार में। अलीपुरद्वार में जाते हैं आप, यहाँ से काम करेगो? अच्छा गवर्नमेंट का काम घर में है, अलीपुरद्वार घर है। अच्छा यहाँ पे किसके पास में आए? गुरु जी के पास। गुरु जी, अच्छा कुछ काम था? हाँ इसके चलते आज सुबह सुबह इतना सीढ़ी चढ़ के देखे, एक्सरसाइज हो गया ना काकू? एक्सरसाइज हो गया हम दोनों का, हो गया आपका मेरा, बाप रे पहले आया यार मैं। हाँ पहली बार आप भी जैसे उठा उठा नहीं, अबे आते वक्त इधर में। हाँ इधर में, हाँ
हो गया जगह खत्म इतना ऊंचाई चढ़ काकुर में तो सिया सिया हो गया दोस्तों सिया सिया क्योंकि हम लोग ऊंचाई चढ़ने का आदत नहीं है ना खत्म हो गया हाँ खत्म ना हम लोग काकू रॉय अंकल जी बोले खत्म हो गया रास्ता यही है यहीं तक लास्ट आखिरी घर है ये बाप यहाँ से देखे नजारे पूरा पहाड़ टूटा फूटा पूरा व्यू पॉइंट जयगांव का व्यू पॉइंट कुछ ऐसे नजारे घर में लोग नहीं नहीं ना घर में कोई आदमी नहीं है काम में गया सब काम में गया है ये काले हैं दूधे माने ये खाता ना काको दूधे माने ने ऐसा दूधे माने दूधे हाँ दूधे माने यार बहुत अच्छा लगता खाने को दूध कटिया शरीर भी ठीक है दूध कटिया है दूधे माने भी कहते हैं एक लकड़ी वकड़ी रखा गया है सुपारी का गांच है देखिए इसका ऊपर में तो भूटान पड़ता है ना इसका ऊपर भूटान है ना भूटान का बॉर्डर वहाँ से हुआ ना भूटान में ऊपर में है ऊपर में है भूटान बॉर्डर तो हम लोग भूटान का लास्ट कोना में आ चुके हैं पाती है ना हाँ देखे आया ना जंगल में गया ना सबका भय लगता है हाँ निकल गया अच्छा ठीक है तो ये है जयगांव का व्यू पॉइंट देखिए ये शिव मंदिर है ना हाँ रॉय अंकल और मैं नीचे गया हम लास्ट आखिरी बॉर्डर तक आपको लेके चले गए थे हो गया यहाँ से एक तो आपको दूसरा दिखाऊंगा मैं पानी भर रहे पानी भर रहे हैं अभी वो दीदी लोग पानी भर रहे हैं हाँ गली है मॉर्निंग दीदी मॉर्निंग सब बंगाल लोग इस जगह पे सब एरिया बंगाल में बंगाल लोग इतना पहाड़ में रहता है आजकल पहले तो नहीं रहता था ना पहाड़ बोलने से नहीं नहीं सकेंगे हाँ हाँ ऐसे ऐसा होता है ये सब ये जितना मैं अभी अभी का वीडियो कैप्चर कर सब बंगाली लोग का घर है काकू कह रहे हैं हजुर ए युट्युबमा युट्युब ब्लगर हो त त्यसको लागि ब्रिज बनायो देखि यसमा इतना गन्दगी है देखि इतना गन्दगी हो र बगेना गा कितना साल बाद बगेना गा देखि हम पहिले गर्दै यहाँ से रास्ता है गुड मर्निङ दाजु ऊपर में हेर्न ऊपर में देखिए ऊपर में घर घर है देखिए हाँ ऊपर तक घर है सभी इधर के बंगाली लोग रहते हैं नेपाली नहीं बंगाली सब मिल के रहते हैं नेपाली बंगाली सब ठीक घर कमती है कमती है ना मस्त चले चले गुड मॉर्निंग भाई बहुत ब्रश कर रहे हो देखिए कुमरा कुमरा बोलते कद्दू बोलते हैं ना हम हिंदी में तो काली कुमरा कुमरा का ये मतलब लौका बड़ा होता है ना हाँ लौका लौका हाँ क्या करो सेद्धू करके पानी सेद्धू करके चीनी के चीनी में डाल करके हम बड़ा बह जाएगा खाने का अच्छा है खाने को अच्छा लगता है ना वो पेट के लिए भी अच्छा है ना पेट भी ठंडा होता है ना शीतल लगता है पेट को काली कुमरा गुड मॉर्निंग दाजु गुड मॉर्निंग यहाँ आए कर दिन हजुर हजुर भाई हेलो गई इस गाँव में नेपाली बंगाली सब रहते हैं इस जगह पे जैसे अपना टेबल हाँ एक तो करें तो सुविधा है मशीन के कारण भैया नहीं तो पहले रंधा मारा जाता था रंधा देखिए बीच का भाग काट दिया इन्होंने टेबल कुछ बना रखे रहे भैया गया लाग्दैन लट्टी कति काट गुड मर्निङ नानी नाच्दो रहेछ गुड मर्निङ भन अङ्कललाई कस्तो छौ तिमी दामी छौ त दामी त दामी नै छौ भने कहाँ जाने अब स्कुल स्कुल जानु लागेको कुन चाहिँ स्कुल पढ्छौ तिमी एन्थनी ल ल स्कुल जाऊ ल गुड मर्निङ गर्दा फेरि अङ्कललाई बाई 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 हेभ ए स्विट स्कुल ल गयो अङ्कल
हुन्छ, बच्चे लोग बहुत स्वीट होता है। हम लोग मैं और ये रॉय अंकल, ठीक है, इस प्रकार का दूसरे बीचों बीच का पूरा पसीना आ गया ना, देखे तो ना। गुड मर्निङ दाजु, गुड मर्निङ। त्यो अङ्कललाई म चिन्छु जस्तो लाग्यो, म चिन्नुहुन्छ? त्यही त म तपाईँले चिनेको जस्तो लाग्यो एकदम। त भक्त चौपति आउनुहुन्थ्यो चिनेछ। नमस्ते दिदी, मर्निङ मर्निङ। हजुर, तपाईँको दोकान? हजुर, आपको हम नहीं पहचानते। आप क्या करते हैं? पार्क है ना, इसके नहीं पहचानते। ल गुड मर्निङ दाजु, नास्ता गर्नु भएको? ए हजुर हजुर, यो त हो गया बोर्सरी क्या, अच्छा सा दुकान है हाम्रो। अब हम लोग ये रास्ता होकर जाना पड़ेगा, नहीं गिरेगा ना। अरे 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 बाबा, अरे अरे बाबा, हिलता है ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बाय बाय बाय, हाथ मिलाइए। थैंक यू, आपने मेरे घुमाया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरी जात मॉर्निंग 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 भाई, अल मॉर्निंग मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग दाजु, काम करूँ यहाँ? हजार तब सब जयगाउँबाट आउनु भयो कि टाढो भयो? हाँसीमा सबैजना भाई पनि हो, ए यहीँ घर यहीँ हो। ल ल हुन्छ, पुरा पसिना पसिना हो कि, धुप नहीं है, फिर मौसम बड़ा अच्छा है इसके लिए इतना पसीना होगा। अगर धूप खिला रहता तो पूरा ये भीग जाता, देखिए पूरा पसीना हो गया, पीछे में तो और ज़्यादा हो गया होगा। काकू ने मेरे को थोड़ा घुमाया उनका गांव, काकू तो आलीपुर में रहता है, लेकिन उनका यहाँ पे वो पंडित जी है ना, बाजे जो नदी में पत्थर ढो रहा था उसको मिला, वहाँ को उसको मिलने के लिए आया कुछ काम से वो। तो कुछ ऐसा नज़ारे हम लोग का जगहों का बीचों बीच में, जिस रास्ते पर मैं कभी भी नहीं गया इतना साल से, इधर ही जवानी हुआ, इधर बुढ़ा हुआ, इधर शादी हो गया, कभी नहीं गया था उस जगह पर। मेरे गाने का मौका मिला, क्या हो गया था भाई, ये बस स्टैंड वाला रास्ता है, ठीक है, अब मैं थक गया हूँ। अभी आपको, आप सबको मैं अपने घर पे लेके चलता हूँ, घर की ओर, जहाँ पे जो कुछ भी आपको मालूम है, आपको तो मैं जो कुछ भी दिखाता हूँ आप सब लोगों के लिए दिखाता हूँ, मैं अपने लिए आप लोगों के काम करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोग मुझे प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार दूसरे हम लोग जगहों में भी है, अभी भरपूर भरा पड़ा है, इस प्रकार से नदी इधर बात नहीं होगा, मैं आपको घर में जाके बात बताऊँ कि गाड़ी का शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते में, ठीक है, तो मिलते हैं आपको रास्ते पे ही अपने घर पे।